नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। हरिजन थाने में पदस्थ दारा सिंह चावड़ा सब इंस्पेक्टर नृत्य सत्यनारायण राठौर द्वारा सुसाइड नोट लिखकर आरोप लगाया गया। बार बार खाने पर बुलाकर प्रताड़ित कर मारपीट कर रहा था, जिसके चलते परेशान हो गया और आज मैं उसकी प्रताड़ना से परेशान होकर आत्महत्या कर रहा हूँ और फांसी लगाकर अपने जीवन लीला सत्यनारायण राठौर ने समाप्त कर ली। जब नृत्य शरीर लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचे तब उनके परिवार और ग्रामीणों ने पोस्टमार्टम करने से मना कर दिया और प्रताड़ित करने वाले पुलिसकर्मी पर प्रकरण पंजीबद्ध करने की मांग की गई है। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले को शांत किया। इसके साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि पूरे प्रकरण में जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। क्या मामला था? थाना धारा सिंह नाम से कोई थाना है हरिजन थाना से। वहाँ से फोन आते थे और दूसरे दिन मेरे को थाने पे पेश करो, ये करो वो करो, उनके नाम रिपोर्ट है ऐसा वैसा है। उनको भी फोन लगा लगा टॉर्चर करा गया और बार बार थाने से ही फोन आते थे और मारा कुटी करी। एक बार थाने में मिलने गए थे और अभी भी मेरे पास सुबह भी फोन आया उसका कि पेश कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, और तुम कोई मुख्यमंत्री होगा, तुम क्या हो, तुम कौन हो, ऐसे करके बात कर रहा और गाली गलौज से बात करी उसने। कहां की घटना, क्यों फोन लगा रहे थे, क्या कारण? एक आवेदन दिया है हरिजन ने, कितने क्या मामला, जमीन के विवाद पे। तो उस आवेदन के पीछे इतना बड़ा विवाद हुआ, कोई FIR नहीं, कोई कुछ नहीं, खाली आवेदन है, सीधा सा आवेदन। इन्होंने आत्महत्या करी, इन्होंने आत्महत्या करी क्योंकि पुलिस वाले ने इतना टॉर्चर कर दिया जिसका जवाब तारा सिंह चावड़ा किसी को बोला था? अभी किसी को शिकायत नहीं करी। ये कर दो तीन दिन का क्या नाम है? सत्यनारायण राठौर डाबला रेवाड़ी। आत्महत्या करी उन्होंने? मेरा बड़ा आपा देखो। आपका नाम? विजय राठौर। ये हरिजन व्यक्ति के नाम से आवेदन दिया गया था थाने के अंदर और मेरे मामा लगते हैं वो, उन थाने से पूरी कोई कार्रवाई नहीं की। कोई माधवनगर थाने के हरिजन कोई पुलिस वाले हैं, उन्होंने इतना टॉर्चर करा है कि उनको आज आत्महत्या करना पड़ी उनको, मतलब इतना प्रेशर आ गया था उन लोगों का। किसी हरिजन ने हरिजन थाने में FIR दर्ज करवाई, मतलब वो आवेदन दिया था, उसके बीच में कोई देवेंद्र चावड़ा करकर है, उस दारा सिंह चावड़ा करकर कोई व्यक्ति है पुलिस वाला, उन्होंने 2 स्टार है, उन्होंने इनको सत्तू राठौर को थाने में बुलाया और टॉर्चर करा, 2 बार इनको बुला के बड़ी तरह से इनको मारा, बेरहमी से मारा और वो लोग उनसे परेशान होकर रोज रोज फोन लगा के और उनसे परेशान होकर मार खाने के कारण उन्होंने सोचा कि अब बार बार मारेंगे और मैं मार नहीं कर सकता हूँ, इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली, रात को फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली। कब की घटना, किसने आवेदन दिया था इनके खिलाफ? कोई हरिजन समाज का था, उसका भी पता नहीं हमें, लेकिन वो जो नर्मदा भाई, वो इनको कब बिठाया था थाने में? इनको करीबन 15 दिन पहले बिठाया था, उन्होंने फिर बोला था, हमने जाकर बात भी करी थी वहाँ थाने में, तो उन्होंने बोला कि आवेदन इनके खिलाफ, तो आवेदन में क्या इतनी बड़ी कार्रवाई होती है कि आदमी को बेरहमी से मारा जाता है, क्या कुत्तों की तरह या जानवर की तरह या भैंस जानवर को मारता है, इस तरह मारा जाता है कि इनको इतनी बेरहमी से मारा गया कि जो 3 दिनों में तक इनके हाथ पैरों में सूजन था। ये कौन थे, क्या नाम? हाँ, सत्यनारायण राठौर को मारा, उसका नाम चावड़ा अंतर सिंह चावड़ा, दारा सिंह चावड़ा। कोई 2 स्टार है यहाँ पर हरिजन थाने में। कहाँ पे, किस जगह थाना? हरिजन थाना यही माधवनगर। माधवनगर जब 15 दिन पुराना प्रकरण है तो 15 दिन पहले ये घटना घटी थी, तो पहले शिकायत क्यों नहीं करी? हमने गए थे थाने में हम लोग, तो उन्होंने बोला था ठीक है, हम उनको बिठा के बातचीत कर लेंगे और समझा लेंगे, जो भी होकर बैठ के बात कर लेंगे। फिर बात बार परेशान करता, उसके बाद फिर डबल बुलाया, जब उन्होंने हमें कोई बात नहीं बताई, 2-4 दिन फिर बाद में पहले भी वापस बुलाया, वापस फिर मारपीट करी। अब वो मारपीट के बार बार मार नहीं खा पा रहे थे, इसलिए उन्होंने अब कल रात को उन्होंने आत्महत्या कर ली। हाँ, सुसाइड नोट लिखा है, उसमें लिखा है कि देवेंद्र चावड़ा की परेशान होकर, उस व्यक्ति से मैं परेशान होकर आत्महत्या कर रहा हूँ, दारा सिंह चावड़ा से परेशान होकर मैं आत्महत्या कर रहा हूँ, मेरे को बार बार टॉर्चर करा जा रहा है, मेरे को बार बार थाने पे बुला के मारा जा रहा है, और मेरा नाम जितेंद्र राठौर। क्या घटना? घटना ये हुई कि नरोदा भाई ने आवेदन दिया था सत्यनारायण राठौर के नाम से हरिजन थाने में, और हरिजन थाने में एक पुलिस वाला था जिसका नाम दारा सिंह चावड़ा था, वो बार बार इनको परेशान कर रहा था और 2-3 बार थाने बुला के मारा भी सही, और थाने जाके हमारे गांव के सरपंच ने जाके समझा भी दिया, उसके बाद भी बार बार टॉर्चर कर रहे थे और फिर परेशान होने के कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली। घटना है गठिया क्षेत्र के डाबला रेवारी की है, और थाने के सभी लोगों को बोल दिया था, उसके बाद भी उन परेशान कर रहे थे। उनने उनकी जमीन ली थी और उनको पैसा दिया था, तो नामांतरण के चक्कर में इसमें पूरा थाना भी साथ में था। जो भी इनको प्रताड़ित किया जा रहा था, तो इसकी शिकायत किसी को नहीं करी? नहीं करी थी ना, तो बोले समझा देंगे हम उनको, फिर भी समझा नहीं पाई है, और सब मिले जुले लोग हैं सब।
इनने सुसाइड नोट लिखा है, क्या लिखा है सुसाइड नोट? सुसाइड नोट में इनने धारा सिंह चावड़ा के नाम से लिखा है कि धारा सिंह चावड़ा मेरे को बार बार टॉर्चर कर रहा है, परेशान कर रहा है और बार बार थाने में बुला के मार रहा है। और उसको समझा भी दिया था हमारे गांव के सरपंच ने और सभी लोगों ने समझा दिया, लेकिन वो बार बार पैसे के चक्कर में परेशान कर रहा था इनको। और अभी तो वैसे भी आचार संहिता चल रही है इनकी, इनके टोल टैक्स पे आगर रोड पे।